हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीपीएससी बिहार टीचर, हेड टीचर और हेड मास्टर दोनों का रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया, उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि कट ऑफ आपका क्या रहा है, कि इसका जो रिजल्ट आया आपका, इसका कट ऑफ क्या रहा है और कैसे इस रिजल्ट को आपको डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के जो लेटेस्ट वीडियो लाते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सरकारीरिजल्ट.com पर आप जाएंगे और रिजल्ट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, रिजल्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा बिहार बीपीएससी हेड टीचर रिजल्ट 2024। ठीक है, कि मिस आपका हेड टीचर रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया और हेड मास्टर का भी रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया। इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का यहाँ पर देख सकते हैं, और ये अभी आपका आज ही के दिन आपका आया हुआ है, 1 नवंबर देख सकते हैं। पोस्ट अपडेट आपको बता रहा है 1 नवंबर 8:36 पर आपका रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका वैकेंसी रहा, इसका फीस वगैरह, ये स्ट्रक्चर था और ये सभी आपके क्या थे कि टोटल पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज आपको जो ध्यान देना है, वो आपको ध्यान देना है, देखिए अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, ये है आपका टोटल पोस्ट आया हुआ था, कितने पोस्ट के लिए, 40,247 पोस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि सिलेक्टेड कितने हुए, 36,000 प्लस कुछ आए हैं समथिंग। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं ये आपके किसके लिए थे, हेड टीचर के लिए। ठीक है, हेड टीचर के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, और दूसरा जो आपका आया हुआ है इसमें था हेड टीचर SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए, हेड मास्टर के लिए। इसमें देख सकते हैं इसमें आपका 6,061 पोस्ट था, लेकिन इसमें भी अभी आप देखेंगे कि 5,000 प्लस ही आपका इसमें सिलेक्शन किया गया, यानी कि बहुत से लोगों को अभी भी यहाँ पर छाटा गया। उसके क्या क्या रीजन थे, कई रीजन थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई लोगों के मिस्टेक हो गए या फिर करेक्शन वगैरह नहीं कर पाए थे, तो उसलिए भी क्या हो गया, एक्सक्लूडेड कर दिया गया उनके। ठीक है, तो रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं और कट ऑफ के बारे में। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि डाउनलोड रिजल्ट। ठीक है, पहला आपका डाउनलोड रिजल्ट कर रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो आपका SC ST वेलफेयर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, और दूसरा आपको कह रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट देख सकते हैं, जो कि आपका हेड टीचर के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि मिस यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर पहले कट ऑफ देख लीजिए, हेड टीचर का आपका कट ऑफ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, हेड टीचर का कट ऑफ यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर रिजल्ट भी देखना चाहे तो थोड़ा सा हम रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आप रिजल्ट पहले देख लीजिए, थोड़ा सा रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है और ये आपका हेड टीचर का रिजल्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं हेड टीचर का रिजल्ट है आपका ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने जो है कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं। तो देख सकते हैं 36,947 लोगों को सिलेक्टेड किया गया, किसमें आपका, हेड टीचर में, हेड टीचर में। ठीक है, और हमने देखा है पोस्ट कितना था, 40,000 प्लस था। ठीक है, 40,000 प्लस था आपका, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 36,947 लोगों को ही सिलेक्टेड किया गया, इसके कई रीजन थे जो सिलेक्टेड नहीं किए गए। ठीक है, अब इसका कट ऑफ पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर दूसरे का कट ऑफ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले हेड टीचर का कट ऑफ हम लोग देखते हैं। हेड टीचर का यहाँ पर कट ऑफ आप देख सकते हैं, अनरिजर्व यानी कि जनरल का कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं 67 गया आपका, 67 जनरल का। अनरिजर्व फीमेल का देख सकते हैं आपका, फीमेल का 59, यानी कि 8 नंबर का गैप देखने को मिलेगा आपका मेल और फीमेल में। ठीक है, उसके बाद EWS, EWS का देख सकते हैं आपका 48। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप यहाँ पर देखने को मिला है, देख सकते हैं जनरल और EWS में। ठीक है, ये आपका 48 है और ये कितना आपका 67 है। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं 19 नंबर का गैप आपको देखने को मिला है। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं आपका 19 नंबर का गैप देखने को मिला है, ये बहुत बड़ा गैप होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व और EWS में गैप काफी ज्यादा है, और फीमेल मेल फीमेल का EWS सेम है आपका, 48 ही है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं SC का आपका 49 गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व का 67, यहाँ पर भी आपका काफी ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है, और SC फीमेल का भी आपका देख सकते हैं 48 एक नंबर कम है लड़कियों का। ST का आपका देख सकते हैं 48 है आपका, और ST यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज आपको सिमिलरिटी दिख रहा होगा, ST का कट ऑफ और आपका EWS का कट ऑफ मेल का
दोनों का सेम है, ठीक है। और यहाँ पर एसटी फीमेल का भी देख सकते हैं 48 है आपका, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी देख सकते हैं 48 ही है, और इनका भी आपका सेम ही देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा कोइंसिडेंस आपको देखने को मिलेगा, तो ये कभी कभी कम हो जाते हैं, कभी कभी ज्यादा देखने को मिल जाता है आपका। उसके बाद आता है आपका देख सकते हैं ईबीसी, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये आपका ठीक है ओबीसी, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 59 इनका कट ऑफ गया मेल का, और फीमेल का देख सकते हैं 49 है आपका, 10 नंबर का गैप यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा मेल और फीमेल में। और यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी, ओबीसी का 61 देखने को मिलेगा, और ओबीसी में आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 59, ठीक है। और वहीं अगर आप ओबीसी फीमेल का देखते हैं तो 52 यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पर देखते हैं आपका बीसीएल, इनका कितना गया आपका कि 48 यहाँ पर देखने को मिलेगा, और डिसेबल्ड वगैरह का यहाँ पर देख सकते हैं 48 है आपका डिसेबल्ड, डीडीडी इनका भी 48 है, ओएच का भी 52 है, और डिसेबल एमडी का 48 है। और यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर, एक्स फ्रीडम फाइटर का भी आपका 48 देखने को मिलेगा, यानी कि EWS के जितना आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब जो सेकंड पोस्ट आपका जारी किया गया उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, सेकंड के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका किसका पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं आपका हेडमास्टर का, ठीक है, हेडमास्टर का, यही आपको एससी एसटी करके एजुकेशनल वेलफेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आपका कि कितने पोस्ट के लिए आपका निकाला गया है, तो इसमें सिलेक्टेड किया गया 5971, और हमने देखा था टोटल पोस्ट कितना आया था, इसके लिए भी आपका 6K प्लस आया हुआ था, ठीक है। तो इसमें भी कुछ लोगों को एक्सक्लूडेड किया गया है, इनका भी कट ऑफ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कट ऑफ देख सकते हैं, रोल नंबर आपको चेक करना है तो रोल नंबर यहां से आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं जैसे हमने बताया है। अब बात आती है कट ऑफ, इनका भी कट ऑफ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, अब आता है आपका कट ऑफ, कट ऑफ आता है आपका यहां पर देख सकते हैं हेडमास्टर का आपका कट ऑफ है ये। अब इस कट ऑफ में यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा अनरिजर्व, यहाँ पर आपको अनरिजर्व यानी कि जनरल का 85 है, और अनरिजर्व फीमेल का आपका 74 देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपका 11 नंबर का गैप देखने को मिलेगा मेल और फीमेल में अनरिजर्व क्लास में। दूसरा आता है आपका ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं 79 आपका देखने को मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का देखेंगे तो आपको 63 देखने को मिलेगा, ये भी आपका गैप देखने को मिलेगा। एससी का आपका 59 देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं एससी और अनरिजर्व में आपका काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। 26 मार्क्स का आपका गैप देखने को मिलेगा, 26 मार्क्स का गैप देखने को मिलेगा अनरिजर्व और एससी में। और एससी फीमेल का देख सकते हैं 48, इनमें भी गैप देखने को मिलेगा। एसटी है आपका 48 कट ऑफ गया है, एसटी फीमेल का 48 है आपका, ईबीसी 74, ठीक है। उसके बाद आपका ईबीसी फीमेल का देख सकते हैं 57, उसके बाद बीसी आपका यानी कि ओबीसी आपका 79, ओबीसी फीमेल 67, बीसीएल 62, डिसेबल 48, डिसेबल 48, ओएच डिसेबल ओएच। उसके बाद देख सकते हैं ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर, ठीक है, 50 यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर आपको देखने से यह अंदाजा लग जाए कि मीन्स कितना कट ऑफ जाता है आपका टीचर्स के लिए, जो आपका बिहार में आपका कराया जाता है बिहार टीचर के लिए, यानी कि आपका बिहार टीचर का जो भी कराया जाता है एग्जाम, इसमें आपको कितना कट ऑफ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।